नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चुनावी सर्वेक्षणों के बारे में बातचीत करेंगे, एग्जिट पोल के बारे में। अभय सर नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो अलग अलग तरह के चुनावी सर्वेक्षण या एग्जिट पोल उन्हें कहा जाता है आए हैं, और उसमें बहुत अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, और इन्होंने एक तरह का भ्रम पैदा किया है। इनकी कुल मिलाकर जिंदगी 3 या 4 दिनों की होती है, लेकिन इनकी मांग उस समय काफी होती है, बहुत सारे लोग इनका इंतजार करते हैं। तो ये जो अलग अलग शुरू में ये बातें कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो चुनावी धुंधलके को साफ करें और ये स्पष्ट करें कि एक ऐसा अनुमान दें जो सच्चाई के नजदीक, रिजल्ट के नजदीक एकदम। ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन ये इनके आंकड़े ऐसे होने चाहिए कि जो नतीजा निकले उस नतीजे के आसपास ही हो। ये 3 से लेके 5% की इसमें गलती होने की बात कबूल कर ली जाती है पहले ही, या तो 3 से 5% नतीजे कम आएंगे या ज्यादा आएंगे। अगर इससे ज्यादा कोई गलती होती है, इसका मतलब है कि एग्जिट पोल है वो पूरी तरीके से नाकाम है। लेकिन इस बार ये उम्मीद पूरी नहीं करते एग्जिट पोल, खास तौर से मध्य प्रदेश के मामले में। मध्य प्रदेश में सी वोटर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी चुनाव और कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा। कोई बहुत लंबा चौड़ा बहुमत नहीं, लेकिन 116 का बहुमत का आंकड़ा है, तो 120 और उससे थोड़ी एक दो सीटें कुछ ज्यादा कम मिल सकती हैं। अधिकतम उन्होंने 137 कहा है। हाँ ठीक है, लेकिन वो आप मान के चलिए कि 100, जब वो जो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो 120 के आसपास सीटें दे रहे हैं उसको। आप उसका अगर मध्यमान यानी औसत निकालें तो ये निकलता है। लेकिन जो एक्सिस इंडिया है, जो कि एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, जितनी सी वोटर प्रतिष्ठित है एक्सिस इंडिया भी प्रतिष्ठित है। उनके बहुत सारे सर्वेक्षण, बहुत सारे एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को सी वोटर के उलट 150 और उससे ज्यादा सीटें दे रहे हैं। यानी वहां देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर तकरीबन लहर चल रही है और प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश हैं और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व से खुश हैं, और उनके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी की रिपोर्ट की लहर चल रही है। ये स्थिति है। तो अब इसका क्या इससे क्या समझ बनती है? मेरा मानना है 3 तारीख को इन दोनों में से एक एजेंसी धराशायी होगी। भाई किसी ना किसी का तो गलत साबित हो गई। यह भी हो सकता है कि वहां सबका गलत साबित हो जाए, किसी को बहुमत प्राप्त ना हो और चुनाव बुरी तरीके से फंस जाए, यह भी हो सकता है। तो कम से कम इससे एग्जिट पोल करने की जो प्रौद्योगिकी है, जो सेफोलॉजी वाली प्रौद्योगिकी है, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। भाई एक ही टेक्नोलॉजी है इसका, दोनों जिसका सभी पक्ष प्रयोग कर रहे हैं। फिर ये कैसे होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से बिल्कुल उल्टा नतीजा निकाल के दे रहा है? मैं ये मान सकता हूं कि इनके लोग कुछ दूसरे मतदान केंद्रों पर खड़े होंगे, वहां से निकलने वाले मतदाता कोई और होंगे जिनसे वो पूछ रहे होंगे आपने किसको वोट दिया। यही तो एग्जिट पोल होता है। तो इससे आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रुझान तो एक होने चाहिए। रुझान भी इतने ज्यादा अलग हैं, एक दूसरे के उलट हैं, तो उससे ये लगता है कि काफी इसमें गड़बड़ है। और वो गड़बड़ किस लेवल की है, उस गड़बड़ का कारण क्या है, ये हम लोग 3 तारीख के बाद ही तय करेंगे। देखिए, इस तरह की गड़बड़ के मुख्य तौर पर 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि किसी एक एजेंसी ने एग्जिट पोल करने में काफी अक्षमता का प्रदर्शन किया है। उसके लोगों ने जिस मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ में और होशियारी के साथ करना चाहिए वो नहीं किया है, और उसकी जांच पड़ताल नहीं ठीक से की गई है, ध्यान नहीं रखा गया है, निगरानी नहीं की गई है, लापरवाही बहुत दिखाई गई है, उसमें काफी गलतियां हुई होंगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई एक तरह की साजिश हो। हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के खिलाफ रहता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि साजिश के आधार पर कोई राजनीति की व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो हैं, अलट पलट हैं बिल्कुल, उससे इन तमाम बातों की तरफ दिमाग जाता है कि आखिरकार कारण क्या है इसका। देखिए, बड़ी बड़ी सर्वे करने वाली संस्थाओं के एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, लेकिन
फिर उनकी प्रतिष्ठा भी नीचे जाती है। ये अगर सबके गलत साबित हो रहे हो, जैसे तमिलनाडु के बारे में एक बार सबके गलत साबित हो गए थे, तो बात समझ में आती है। अब देखिए 3 तारीख को क्या परिणाम निकलता है, लेकिन इन एग्जिट पोलों में कम से कम एक बात के बारे में, 2-3 बातों के बारे में इसमें मतैक्य भी है। पहली बात तो यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है, यह भी इन एग्जिट पोल से निकल कर आ रहा है। एक बार फिर राजस्थान के मामले में अलग अलग एग्जिट पोल हैं, लेकिन वहां पर यह रुझान कम से कम सबका निकल के आ रहा है कि राजस्थान में चुनावी टक्कर बहुत ही सघन है, चुनावी घमासान बहुत जबरदस्त हुआ है, चुनाव फंसा हुआ है। अगर किसी को जीतता भी दिखाया गया है तो उसको मार्जिनल जीतता दिखाया गया, हारता दिखाया गया है तो उसको मार्जिनल हारता हुआ दिखाया गया, या ऐसा दिखाया गया है कि दोनों ही इस स्थिति में है कि जरा सी कोशिश हो जाए, अगर जो कांटे वाली सीटें हैं इधर की उधर हो जाए तो फिर उसको बहुमत प्राप्त हो सकता है। तो राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मामले में मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल रुझानों को सही सही पकड़ने में कामयाब रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में किसी ने रुझान सही पकड़ा है, किसी ने सही नहीं पकड़ा है, किसने सही पकड़ा है किसने नहीं पकड़ा है, ये 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। आपने ये कहा कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे लोग इस पर इशारा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक प्रतिष्ठित चैनल के जो सर्वे करने वाले हैं उनके आरएसएस परिवार से जुड़ाव के बारे में बातचीत की है। लेकिन अगर हम कॉन्स्पिरेसी की बात करें भी, तो आखिर इन 3 दिनों में ऐसा कौन सा लाभ हो सकता है अगर वो भाजपा को जीते हुए दिखा भी देते हैं? देखिए, उन्होंने जो इशारा किया है उसी एजेंसी ने राजस्थान में कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया है, उसी एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में भी, ऐसा नहीं है कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने दे दिया फैसला। तो सवाल यह है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगाएंगे? उन्होंने 150 से 160 के बीच में सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा को दी हैं, तो वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगाएंगे? देखिए, ये सब इस तरह से नहीं बोलना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। अब तेलंगाना में जो कांग्रेस के नेता है रेवंत रेड्डी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, वो पहले विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे, तो इसके आधार पर कोई क्या कह सकता है? इस वक्त तो कांग्रेस के अगुवा है वहां पर, तो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। जो जिस एक्सिस इंडिया संस्था के बारे में ये बात कही गई है, मेरा मानना है कि उन्होंने उनका प्रदीप गुप्ता का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और सफल एग्जिट पोल किए हैं, उनके ज्यादातर एग्जिट पोल कामयाबी रहते हैं। कुल मिलाकर ये तकनीक में गड़बड़ी, सैंपल साइज को लेने में गड़बड़ी, इसी तरह का मामला है अगर दो प्रतिष्ठित जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग धाराओं में जा रहे हैं, तो इसको हमें ऐसे ही देखना चाहिए। एग्जिट पोल में सैंपल साइज क्या होता है? एग्जिट पोल में तो आप ये होता है कि भाई, जहां तक मेरी जानकारी है कि आप किसी पोलिंग बूथ के सामने खड़े हुए हैं, तो आप एक पोलिंग बूथ से जो है ना कुछ कितने लोग निकलते हैं, आप उसे ये थोड़ा पूछते हैं कि आप समाज के किस हिस्से के सदस्य हैं। स्त्री पुरुष तो सामने दिखाई पड़ता है आते हुए, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, या आपकी आमदनी का लेवल क्या है, आपकी जाति क्या है, या आप एग्जिट पोल में थोड़ी ना पूछते हैं। तो ऐसा कोई सोशियोलॉजिकल सैंपल साइज तो उसमें होता नहीं है। संख्या जरूर है कि भाई इतने हमने वोटरों से बात की, इतने वोटरों से बात की और इतने मतदान, इतने बूथों के सामने हम खड़े हुए, ये तो बात होती है। ये सब इस पर डिपेंड कर, इस पर निर्भर करता है कि आखिरकार जिस संस्था, जिस जो ब्रॉडकास्टर है, उसने एग्जिट पोल करने वाले को कितना पैसा दिया है। जितना ज्यादा पैसा देगा, जितना ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना बड़ा सैंपल साइज होगा उसका। मेरा मानना यह है कि मान लीजिए एक संस्था 300-400 बूथों 500 बूथों के सामने खड़े होकर लोगों से पूछ रही है, दूसरी संस्था 400 बूथों के सामने, 300 बूथों के सामने खड़े होकर पूछ रही है, तो जाहिर है उसका सैंपल साइज छोटा होगा, इसका सैंपल साइज बड़ा होगा। तो लेकिन उससे रुझान तो दोनों के समान आने चाहिए। आंकड़े में फर्क हो सकता है, मैं ये मान सकता हूं कि उन्हें जो वोट परसेंटेज आया उनका, उसके हिसाब से जब उन्होंने सीटों में कन्वर्ट किया, उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन दोनों के बीच में रुझान समान आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो किसी को जीतता या हारता दिखाएं, लेकिन फिर वो जीत इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि सी वोटर
137 तक दे रहा है, वो 150 160 दे रहे हैं। तो ये जो सी वोटर ही बता रहा है कि भाई कांग्रेस आगे है भाजपा से, सरकार बना सकती है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर एक तरह से जबरदस्त हवा है। क्या आमतौर पर ऐसी प्रवृत्ति भी रही है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं वो थोड़े बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुके होते हैं? जैसे कि ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत सकती है, छत्तीसगढ़ में जीत सकती है, लेकिन ऐसा भी साथ साथ है कि वहां लड़ाई बिल्कुल फंसी हुई है और 1-2% वोट के मामले में मामला इधर उधर भी जा सकता है। देखिए तेलंगाना में तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का किसी ने पक्ष लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें सब लोगों ने दी है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में ही नहीं है, वो एक दूरस्थ तीसरे नंबर पे है, डिस्टेंट थर्ड है। तो वो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी स्थिति एग्जिट पोल में इस प्रकार का प्रभाव नहीं निकल के आना चाहिए। ओपिनियन पोल में जरूर इस प्रकार की कोशिशें होती हैं, लेकिन पिछले दिनों जो ओपिनियन पोल निकल के आए, खासतौर से सी वोटर के जिन ओपिनियन पोल के ऊपर चर्चा में मैंने भी लगातार भाग लिया है पिछले कई महीने से, वहां भी मुझे नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पक्ष लिया जा रहा है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा मुखर होते हैं, और उनके पास कुछ इस तरह की तरकीबें भी हैं जिससे वो अपना ध्यान आपकी तरफ आकर्षित कर सकें, अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो उससे ऐसा फर्क पड़ता है कि भाजपा को एक उसकी क्षमता से अधिक उसका प्रभाव माना जाता है। लेकिन ये बात तब ज्यादा सही थी जब भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक प्रभुत्व तो नहीं था, वो अपने राजनीतिक प्रभुत्व तो बनाने की स्थिति में थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी का बाकायदा एक राजनीतिक प्रभुत्व तो है, वो हर जगह सत्ता की मजबूत या नंबर वन दावेदार है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत है कि भाजपा से कुछ ज्यादा प्रभावित हुआ जाए। लेकिन तेलंगाना में जो संघर्ष है उसमें केसीआर भी बिल्कुल बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कैसे बाहर कैसे दिखाई देंगे? उनकी जो योजनाएं ऐसे रैयतु वाली योजना जो है, वो योजना उनकी बहुत ही लोकप्रिय योजना है, बहुत प्रभावशाली योजना है। उस योजना के दम पे उन्होंने पिछला चुनाव जीता था ऐसा माना जाता है। दूसरे के तेलंगाना में अगर किसी पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है और पूरे तेलंगाना के चप्पे चप्पे में फैला हुआ है तो वो भारत राष्ट्र समिति है। उनके पास बूथ स्तर के सबसे महत्वपूर्ण अच्छे कार्यकर्ता हैं, और पिछले 2 बार 10 साल से उनका मुझे लगता है कि कोर वोट भी बन गया होगा। कोर वोट ऐसा एक ऐसी चीज होती है जो आप चुनाव में जीते हारे वो आपके पक्ष में जाता ही है। तो लगातार जो पार्टी चुनाव जीतती रहती है उसका एक कोर वोट भी बन जाता है, तो वो उनका कोर वोट भी बन गया होगा। तो ऐसी स्थिति में उनको लड़ाई से बाहर तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अच्छा, दूसरी एक और बात ध्यान रखने की है, कांग्रेस आज तक तेलंगाना में कभी भी बहुमत का नंबर नहीं प्राप्त कर पाई, उस वक्त भी नहीं जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का अंग हुआ करता था। यानी पूरे आंध्र में कांग्रेस चुनाव जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी, लेकिन तेलंगाना की 119 सीटों में से 60 सीटें उसे कभी नहीं मिलती थी कांग्रेस को। आज तक नहीं मिला है कांग्रेस को तेलंगाना में बहुमत, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। एक आखिरी प्रश्न, ज्यादा विस्तार से चुनाव नतीजों पे आने पर इससे बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि एक बहुत जैसे दिखाई जा रही चीजें वैसे ही हो और भारतीय जनता पार्टी को एक राज्य में जीत मिलती है अगर हम सी वोटर के माने तो, और अगर हम एक्सिस इंडिया के माने तब भी एक ही राज्य में जीत मिल रही है, लेकिन हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए 2 राज्यों में मिल जाए, तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर सामने आएगी? देखिए भाजपा तो मैं मानता हूं कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से पहले से ही मजबूत है, और विपक्ष से अभी भाजपा मजबूत है। मोदी किसी भी अन्य किसी विपक्ष के दावेदार के मुकाबले मजबूत नेता है। भाजपा ज्यादा आश्वस्त है 2024 का चुनाव जीतने के लिए। अगर वो कोई भी राज्य में चुनाव जीतती है, जो तो 2018 में वो चुनाव नहीं जीता होगा, तो वो उसके लिए बोनस है। अगर वो चुनाव हार भी जाती है सभी, तब भी ऐसा नहीं है कि भाजपा 2024 के लिए अचानक कमजोर महसूस करने लगेगी या बैकफुट पे चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर भाजपा ज्यादा चुनाव जीतती है तो फिर आप मान के चलिए कि विपक्ष की स्थिति खराब हो जाएगी। और शायद अगर मध्य प्रदेश का नतीजा आज तक वाले सर्वे के हिसाब से रहा तो ये एक सबक भी होगा कि आप जो इंडिया गठबंधन के दल है उनको साथ लेकर चले, इसका भी काफी प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके ये देखिए
आमतौर पर कल जब चर्चा हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो बातें बहुत हो रही थी कि इसने फलानी जगह वोट काट लिया होगा, इसने ये कर दिया होगा, तो जो अन्य है अन्य के ऊपर ज्यादा महत्व था। तो अगर अगर इस कारण से कांग्रेस हारती है कि वहां समाजवादी पार्टी को उसने सीटें नहीं दी, या छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने वोट काट लिए उसके, या अगर इस वजह से कांग्रेस हारती है तो ये विपक्ष के लिए सबक हो गई उसे कि न केवल लोकसभा के लिए एकता करनी है बल्कि कुछ विधानसभा के स्तर पर भी एक एकजुट होकर आगे बढ़ना सीखना होगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको अभय सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।